नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी, हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शीशपाल ब्लॉग पर। फ्रेंड्स, अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा ना, मेरी आवाज़ थोड़ी सी गूंजी गूंजी सी, पता नहीं क्यों। इस कमरे में जब मैं आती हूँ ना, तो आवाज़ थोड़ी गूंजी गूंजी सी लगती है। तो चलिए, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी हो रखा है सुबह का समय, और मैं बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता, यानी कि टिफ़िन बना रही हूँ। तो रात के थोड़े चावल बच गए थे, उन्हीं को मैं छोक रही हूँ नैना के लिए, क्योंकि नैना ने बोला कि मैं पोहा लेके नहीं जाऊँगी आज, मैं लेकर के जाऊँगी नमकीन चावल। और कल मैंने सोना को थोड़ा सा ही पोहा दिया था, तो उसने बोला कि मैं तो पोहा ही लेकर के जाऊंगी, तो मेरे लिए पोहा बनाना। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। तो नैना के लिए नमकीन चावल छोक रही हूँ, और फिर सोना के लिए पोहा बनाऊंगी। तो पोहा तो मैंने भिगो करके, मतलब धो करके रखा हुआ है। और सुबह सुबह थोड़ा यही रहता है कि क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं ना, जब बच्चे नहीं बताते ना, तो थोड़ी टेंशन सी रहती है कि भाई हम कुछ बना के देंगे, वो खा कर के आएंगे नहीं खा कर के आएंगे ना। इसलिए क्योंकि मैंने कल उसको पोहा दिया था, और साथ में दिए थे चीले बना करके ना मीठे, लेकिन वो खा करके नहीं आई। बस जो थोड़ा सा पोहा दिया था उसे ही खाया, और बोल रही थी कि इतना सारा मुझे रख देती हूँ खाने के लिए, मैं कैसे खाऊंगी। तो मैंने सिर्फ पोहा खाया, वो भी पूरा खाया, मतलब वो मैंने थोड़ा सा उसको ऐसे दिया था कि चलो भाई चख लेगी, इस हिसाब से दिया था मैंने उसको। तो और चीला उसने एक भी नहीं खाया, मतलब तोड़ के भी नहीं देखा है। देखो मैंने उसको तीन चीले दिए थे छोटे छोटे बना करके कि चलो भाई खा लेगी, लेकिन नहीं खाया उसने। फिर वो चीले दिन में भी नहीं खाए, मतलब आ करके स्कूल से भी नहीं खाए उसने, जबकि वो मैंने उसके कहने पर ही बनाए थे। रात को मुझे बोल रही थी मम्मी कुछ ना मीठा सा बना देना सुबह। अब सुबह मीठा सा क्या बनाऊँ ये सोच करके मैंने सोचा चलो चीले बना देती हूँ, ये खाती तो है, इसको पसंद आते ही हैं। तो लेकिन उसने खाया ही नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर वो चीले मैंने खाए और उसके पापा ने खाए, क्योंकि भाई हमें तो पसंद है और हमारे तो लगे हैं पैसे, हमें तो खाना ही पड़ेगा, बर्बाद तो कर नहीं सकते कोई चीज़। तो इसलिए तो यहाँ पे मैंने उसके लिए पोहा बना दिया है। तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया उसी के हिसाब से, बस कि उसके टिफिन में थोड़ा सा रख दूँगी, थोड़ा सा बचेगा इसमें से, क्योंकि इतना सारा तो खैर मैं नहीं खाएगी। और ये देखो बच्चे चल दिए हैं स्कूल के लिए, इनकी बातें सुनो आप। बाय अंकल। गाड़ी कहाँ है? अभी नहीं आती, वो होता है अंकल के साथ। अंकल के साथ तो फ्रेंड्स, अभी तो दिन का समय हो रखा है, यानी कि शाम का समय हो रखा है, और मैं ना कपड़े निकाल रही थी, गर्म कपड़े निकाल के रखूँगी, और जो दूसरे कपड़े हैं उनको उठा करके रखूँगी। तो आप देख सकते हो कितना सारा अंबार लगा पड़ा है, और यहाँ लगाऊँगी अलमारी में इनके कपड़े, तो पूरा का पूरा फैला रखा है मैंने। और जो कपड़ों वाला काम करो ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग ही जाता है, इसलिए तो यहाँ देखो। फिर मैंने सोचा कि चलो जब कपड़े चेंज कर ही रही हूँ, इधर से उधर रख रही हूँ, तो अखबार भी चेंज कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये सारे इनकी शर्टें पैंट वगैरह जो ये नहीं पहनेंगे, कैपरी वगैरह, वो सब मैंने इसमें रख दी। और अब मैं बनाऊँगी रात का खाना। तो अभी तो शाम हो गई है, और ये भी ऑफिस से आ गए थे, तो पहले तो मैं दोपहर के बर्तन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि भाई काम कर रही थी, इस चक्कर में मैंने करा भी नहीं। और वैसे भी मैं मोस्टली शाम को जब चाय बनाती हूँ ना, तभी दोपहर के बर्तन साफ़ करती हूँ। इसलिए तो हुआ क्या, बच्चों के कपड़े नहीं मिल रहे थे, यानी कि सोना के कपड़े मुझे नहीं मिल रहे थे, गर्म कपड़े ना। तो उसी चक्कर में इतना सारा फैलारा मैंने फैला रखा था कि चलो भाई उसकी जो वो थी इसकी भी थी ना, वो मुझे मिल ही नहीं रही थी। और बाद में ना यकीन नहीं करेंगे, वो पलंग पर ही रखी हुई थी और मुझे दिखाई ही नहीं दी। और मैंने स्कूल से नई इसकी भी मंगवा दी उसकी, ड्राइवर से कह करके कि भाई आप ला देना, क्योंकि अब ठंड होने लगी है ना इसलिए। और क्योंकि मैंने पलंग सारे छान मारे, जितने भी पलंग है घर में सब छान दिए, लेकिन मुझे मिली ही नहीं। तो मेरे से बोल रहे थे तुमने कहीं संभाल के रखी होगी, मैंने कहा हाँ संभाल के तो रखी होगी, तभी तो मिल नहीं रही है। ऐसे ही होता है जब कोई चीज़ नहीं मिलती है ना, तो फिर ऐसे ही बोलते हैं तूने कुछ ज़्यादा ही संभाल दी होगी। तो मैंने कहा हाँ भाई संभालूंगी तो मैं ही, क्योंकि रखती तो मैं ही हूँ ना इसलिए। तो बस यहाँ मैं पहले बर्तन साफ़ करूँगी सारे के सारे, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि शाम की चाय का वक्त हो रखा है। और ये भी आ गए हैं, तो ये तो पियेंगे अपनी ग्रीन टी, क्योंकि आजकल ये थोड़ा ग्रीन टी पीते हैं। पर मुझे तो भाई ये वाली ग्रीन टी बिल्कुल भी पसंद नहीं, दूसरे वाली थोड़ी बहुत मैं पी लेती हूँ, पर ये नमक वाली ग्रीन टी ना, ओह
बेकार लगती है मुझे तो बहुत ज़्यादा, पर इनको बहुत अच्छी लगती है। तो सबका अपना अपना स्वाद है। हम तो भी अपनी काली वाली चाय पियेंगे काली मतलब दूध वाली चाय पियेंगे। बिल्कुल काली चाय तो घर नहीं पीती मैं, पर हाँ दूध में पत्ती भी नहीं पीती हूँ, इसलिए मेरे को चाय अच्छी लगती है। दूध आधा आधा पानी उस हिसाब से। तो यहाँ मैंने इनके लिए ग्रीन टी बना दी है, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। गर्म पानी करो पाउच डाल दो, उसके अंदर डिप डिप होता रहेगा, छुट्टी थोड़ी देर में दे दो, तो बस। और यहाँ फिर मैंने अपनी और अपनी सास की चाय भी रख दी बनने के लिए, और बच्चों ने पी थी फिर कॉफ़ी, क्योंकि तब तो बताते नहीं है। जब मैं बना रही होती हूँ, जब मैं अपनी चाय लेके अंदर जाती हूँ, तब बोलेंगे मम्मी हाँ हमारे लिए बना दो कॉफ़ी। तो इस चक्कर में कभी कभी मेरी चाय थोड़ी ठंडी हो जाती है, और ठंडी चाय मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, सही बताऊँ। मुझे लगता है तुम गर्म गर्म चाय पियो भाई, तभी मज़ा आए चाय पीने का। तो इसलिए तो बस चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं खाना बनाने लगी हूँ। तो रोटियाँ बनाऊँगी और बच्चों के लिए भरता बनाऊँगी, और ये थोड़ी सी दाल है और साग रखा हुआ है, तो हम दोनों साग से रोटी खाएंगे। और बीवी भरता नहीं खाती हैं, इसलिए उनको दाल दूंगी खाने के लिए। नैना नैना चिमटा हर लिया मैंने। चश्मा उतार के चिमटा दिखाया मेरे को। Stick around and wait for me. I see you on the
all that. Can you stick through it with me or not? And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want. Like it. I know that you like it. You like it. Yeah, you like it. I know that you like it. You like it. You said that you were down just yesterday. Hoping you'll stick around and wait for me. I see you all that come up, but don't switch up. तो फ्रेंड्स, खाना पीना खाने के बाद ना मैं लग गई थी अपनी रसोई संभालने में. रसोई वगैरह संभाली, उसके बाद पूरा पलंग ना बच्चों ने फैला रखा था. तो सोना तो सो गई है खाना खा करके ना, उसको नींद आ रही थी तो वो तो सो गई. उसको मैंने सुला दिया कि चल तू सो जा. उसके बाद मैंने यहाँ पर सारे पलंग ठीक करा, क्योंकि नैना क्या करती है, जब भी अपना काम लेकर के बैठेगी ना तो सारा सामान ऐसे फैला देती है, अपने ना पाउच का सारा सामान बाहर निकाल के रख देगी. फिर इसको हमने बोला कि ऊपर जा, लाइट वगैरह बंद करके आ छत की, क्योंकि हैप्पी खाना वगैरह दे करके आई थी ना. फिर लाइट बंद करके नहीं आई, बोली कि आप लोग घुमाने के लिए जाओगे इसलिए मैं लाइट खुली छोड़ आई हूँ. तो मैंने कहा नहीं, अब हम उसे घुमाने के लिए नहीं जा रहे, उसे कुछ करना होगा तो कर लेगा अपने आप से, मैं जाके सुबह साफ़ कर दूँगी, अब तो जाओ लाइट बंद करके आ जा. तो फिर ये चली गई थी लाइट बंद करने के लिए सबसे ऊपर, और यहाँ मैं इसका सारा सामान इसके पाउच में भर रही हूँ. तो उसने सारे पेन वगैरह सब निकाल रखे थे, और ये ना हेयर ड्रायर भी ला रखा था. पेन की इंक जम गई होगी, तो कह रही थी कि हल्का सा गर्म करने पर ना उसको वो फिर से चलने लगेगी इसलिए. तो मैंने कहा पता नहीं भाई, हम लोग तो थोड़ा पेन का सिरप करते थे ना सिक्के को, तो इंक निकल जाती थी उसमें से आराम से, और फिर चलने लगता था पेन. अब पता नहीं कितनी बार होता है इंक बीच में रुक रुक के रहती है ना, तो नहीं चलता है वैसे भी ना. तो यहाँ पर नैना ऊपर गई, और फिर देखा ऊपर उसकी अम्मा की थाली रखी हुई थी, फिर वो उनको भी लेकर के आ गई. तो उन्होंने आज खाना खाया नहीं, खाना ऐसे ही बचा हुआ है. तो मैं बोल रही खाना क्यों नहीं खाया, कह रही मुझे क्या पता खाना क्यों नहीं खाया. तो मैंने कहा जब दिया था तभी वापस भेज देती, तो शायद तब उन्होंने देखा नहीं होगा जब नैना रख के आई होगी रूम में, क्योंकि नैना ही खाना लेकर के जाती है उनके लिए रात को. जब ये घर में होती है तो फिर यही लेकर के जाती है, जब ये घर में नहीं होती तब मैं दे करके आती हूँ. तो बस यहाँ पर चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं. कल मिलेंगे एक नए दिन नई वीडियो के साथ. मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और पसंद आए तो शेयर कीजिएगा. कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम. अपना ध्यान रखिएगा.